हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम इन सर्च मी ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ, तो ये एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि सिचुएटेड है जलंधर पंजाब में। अकॉर्डिंग टू यूजीसी लिस्ट 2015 में इस्टेब्लिश हुई, और जो ये यूनिवर्सिटी है वो रन करते हैं चैरिटेबल सोसाइटी। तो आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि किस तरह की यूनिवर्सिटी है, क्या क्या कोर्स करवाती है, डिटेल एवरीथिंग। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। और अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं। जैसे वेबसाइट पे गए कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा, इसे आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ऊपर आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी का नेम सेंट बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी है जो कि 2015 में इस्टेब्लिश हुई अंडर सेक्शन 2F ऑफ UGC एक्ट 1956। नैक एग्रीगेटेड है, नोटिस यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक लिस्ट, ऑनलाइन DMC डिग्री, जॉब वैकेंसी, ऑनलाइन फीस पेमेंट, इंटरनल कमेटी और यूनिवर्सिटी एलुमनी के बारे में आप डिटेल ले सकते हैं। नीचे अब आओगे अबाउट अस, एडमिशन, एकेडमिक, एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टूडेंट कॉर्नर। उसके नीचे एडमिशन 2023 और कॉन्टेक्टस का ऑप्शन दिया गया है इंक्वायरी के लिए। तो इंक्वायरी फॉर्म आप क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं, और जो भी इनकी काउंसलर हैं या जो भी इनकी मैनेजमेंट है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक एग्रीगेटेड है, B+ है, विजन मिशन दिया गया है। नीचे आप आओगे तो नोटिस बोर्ड, अपकमिंग इवेंट, क्विक लिंक, न्यूज़लेटर, फीस डिपॉजिट लिंक, क्लिक टू रजिस्ट्रेशन, एडमिशन सेल, स्कॉलरशिप स्कीम, इवेंट, ये सब यहाँ पे दिया गया है। फिर इवेंट यहाँ पे दिए गए हैं कौन कौन से इवेंट हुए और जो भी इनके चांसलर हैं, जैसे फाउंडर चांसलर जो थे वो थे संत बाबा मलकीत सिंह जी। अब 15 से 21 के बाद जो रहे संत बाबा दिलावर सिंह जी, और जो ऑनरेबल चांसलर हैं संत सरमन सिंह जी। तो ये डिटेल। उसके बाद वाइस चांसलर हैं डॉक्टर धर्मजीत सिंह। और यूनिवर्सिटी न्यूज़ बताई गई है, कैंपस इवेंट और 50+ प्रोग्राम। उसके बाद स्टूडेंट से, तो उनके बारे में यहाँ पे बताए गए हैं, यानी कि स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। इम्पोर्टेंट लिंक यहाँ पे मेंशन है, फिर क्विक लिंक कुछ दिए गए हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल, यूनिवर्सिटी एड्रेस, हेल्पलाइन नंबर, और उसके बाद यूनिवर्सिटी के कुछ डिटेल यहाँ पे मेंशन है जी। तो जैसे ऑनलाइन DMC एंड डिग्री के लिए, उसके बाद जॉब वैकेंसी के लिए आप डाउनलोड या फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी फॉर्म यहाँ पे मेंशन है, तो ये आप फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है फीस पेमेंट का, तो यहाँ पे आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे इंटरनल कमेटी जो बनाई गई है तो उनकी क्या बेनिफिट है, ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशन, फीचर, ये जो कमेटी है या सेल है ये इंटरनल वर्क के लिए बनाया गया है कि कैसे चले, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसको कैसे बेटर बनाया जाए,
तो उसके लिए ये बनाया है। हाई यूनिवर्सिटी अब ने इसे तैयार किया है। फिर IQAC, फिर एलुमिनी के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए, अबाउट रजिस्टर्ड फॉरम, रिलेटेड लिंक, तो ये सब यहाँ पे थे जो आपको डिटेल बताई। फिर उसके बाद अबाउट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिक डिटेल। पहले इंस्टीट्यूट, फिर स्कूल 2004 में, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, नर्सिंग डेवलपमेंट सेंटर, कॉलेज हो गया, तो ये सब यहाँ पे है। फिर विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ये सब है। रीज़न टू ज्वाइन, रीज़न क्या है, सोसाइटी मेंबर, और उसके बाद गवर्निंग बॉडी, तो उसके बाद वाइस चांसलर, मैसेज जो आपको बता दिए, रजिस्ट्रार है वो डॉक्टर विजय जी हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे मैनेजमेंट या कहें डेजिग्नेशन, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी, पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। उसके बाद विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, रिकॉग्नाइजेशन या अप्रूवल, तो यहाँ पे अभी कुछ मेंशन नहीं दिखा रहा। वाई ज्वाइन, एस क्यों ज्वाइन करें, क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या यूनिकनेस है फ्रॉम अदर से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, अगर आपने देखने हो यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नेटवर्किंग इश्यू है, अप्रूवल दी गई है, जैसे UGC की ही दी गई है। ऑब्जेक्टिव ये यहाँ पे आके आप यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव वगैरह चेकआउट कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है। एडमिशन में UG, PG, PhD प्रोग्राम के बारे में, जैसे कोर्सेज है MA इन इंग्लिश, अबाउट अस, एलिजिबिलिटी फॉर फीस, स्कॉलरशिप स्कीम, उसके बाद प्रोग्राम आउटकम एंड एडमिशन प्रोसीजर क्या क्या है, क्लिक टू हेयर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे हर यूनिवर्सिटी का दे, रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, फिलअप फॉर्म, पे द फीस एंड सबमिशन। बाकी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है बिफोर अप्लाई जी। तो यहाँ पे आप कोर्सेज के बारे में डिटेल ले सकते हो, कौन सा कोर्स आपको करना है, तो डिटेल दी गई है। और जो फीस वगैरह ये सब यहाँ पे मेंशन है। पर ये फीस जैसे BLLB 53,400, उसके बाद PhD प्रोग्राम, कि उनका रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। जैसे पंजाबी हमने सिलेक्ट किया, तो या उसके बारे में सिलेबस, फी स्ट्रक्चर, और जैसे फी स्ट्रक्चर अगर आपने चेकआउट करना है तो यहाँ पे दी गई है। एनरोलमेंट फीस 2,500 पर सेमेस्टर, फीस इतनी है, ये कोर्स वाइज 4 पेज की ये दिया गया है। 15, 16, 17, 18, 19, 19 के बाद ये है। जी, तो उसके बाद प्रोस्पेक्टस अगर आपको चाहिए तो अकॉर्डिंग टू ईयर वाइज डाउनलोड कर सकते हो। एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, तो वो ऑनलाइन या ऑफलाइन से। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आपने करना हो,
फिर है स्कॉलरशिप के बारे में या एडमिशन सेल के बारे में। स्कॉलरशिप का आपको बता दिया, एडमिशन सेल में चार डिपार्टमेंट में है, जैसे एडमिशन हेल्पलाइन, उसके बाद यहाँ पे है डीन एकेडमिक, डीन, कैलेंडर, सिलेबस, लाइब्रेरी, मीटिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन। सिलेबस अगर आपको चाहिए किसी भी कोर्स का तो यहाँ पे आके कोर्स वाइज अकॉर्डिंग टू ईयर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं, कौन से ईयर का चाहिए। फिर लाइब्रेरी के बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है, डीन एकेडमिक के बारे में डॉक्टर अनीत कुमार जी, और उसके बाद डीन्स की लिस्ट दी गई है अकॉर्डिंग टू कोर्स वाइज, जैसे डॉक्टर रमनदीप कौर जी हैं। फिर यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ हॉलीडे, रूल्स और रेगुलेशन, इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे हैं, आप जो भी है उनसे डिटेल लेके लेने के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको मिलेंगे डिपार्टमेंट वाइज डिटेल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ की होगी, और एजुकेशन, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ओपन किया तो इसमें ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, प्रोग्राम ऑफर्ड, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर्ड है, बीटेक है, फैकल्टीज लिस्ट यहाँ पे दी गई है। ऐसे ही अदर हैं तो आप यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में जो भी इनके रूल्स और रेगुलेशन है, एग्जामिनेशन नोटिस और परसेंटेज कन्वर्ट करना हो तो ये यहाँ पे थिंग्स बताई गई हैं लेटर वाइज, एग्जामिनेशन नोटिस, और फिर ये परसेंटेज, जी अपीयर फॉरम। उसके बाद ये वैल्यूएशन फॉरम, फिर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए, जिसमें आपका गाइडेंस, एक्टिविटी पोर्टल और डाउनलोड ऑप्शन है तो यहाँ पे ये बताई गई है प्लेसमेंट एक्टिविटीज, ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं और ये असिस्टेंट जी, तो उनके बारे में यहाँ पे डिटेल है, पोर्टल के बारे में जानना है तो यहाँ पे अगर लेटेस्ट कौन कौन से नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे आके आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड, अगर आपको डाउनलोड का रिज्यूम फॉर्मेट, 6 मंथ ट्रेनिंग और ये सब यहाँ पे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो पीएचडी से रिलेटेड अगर आपको, जैसे पैनल नोटिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, रिसर्च पॉलिसीज के बारे में जानना है तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। फिर पीएचडी का सिलेबस, उसके बाद फी स्ट्रक्चर अगर आपको चाहिए, फिर नोड्यूस परफॉर्मा ये डाउनलोड कर सकते हो, स्टूडेंट कॉर्नर में डाउनलोड फॉरम, नोटिस बोर्ड, NCC NSS और जेंटर ऑनलाइन, तो स्टूडेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी फैसिलिटी चाहिए तो यहाँ पे आके आप ले सकते हैं, जैसे अगर आपको कोई फॉर्म वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, नोटिस बोर्ड में आप डिटेल ले सकते हैं जी, तो ये थी बेसिक डिटेल। उसके बाद एडमिशन के लिए अप्लाई करना है कॉन्टेक्टर्स में, यूनिवर्सिटी एड्रेस, ऑफिशियल नंबर, ईमेल एड्रेस,
यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद बैंकिंग के बारे में, नोटिस बोर्ड, क्विक लिंक, यूजर लेटर, फिक्स डिपॉजिट लिंक। तो ये सब बताया गया है। जी, तो इसमें आपको ये बताया यूनिवर्सिटी के बारे में अब तक, और उसके बाद कुछ नेटवर्किंग इशू था जिस कारण बीच में दिक्कत आई। उसके साथ आगे हम चलते हैं होम पेज में, विजन मिशन। यहाँ पे एडमिशन रेगुलेशन अगर आपने चेक करने हैं, एडमिशन सेल, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। आप जो भी डिटेल है ले सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, अगर आपने अप्लाई करनी है, या डिक्लेरेशन, या अगर आपको कोई भी एक्ट थिंग्स चाहिए तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्विक लिंक में यहाँ पे जो भी एक्ट पास है या जो भी हैं, जैसे UGC, BCA अप्रूवल, NCT, या ग्रीवियंस सेल, वुमेन, जो भी ग्रीवियंस सेल है या हेल्पलाइन है या अप्रूवल अथॉरिटी के लिंक है, वो यहाँ पे मेंशन है। जी, तो ये थी बेसिक डिटेल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और अगर आप एजुकेशन कॉलेज से रिलेटेड सजेशन या डिटेल चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। वो लिंक आप जो भी क्वेरी है उसे सबमिट करके, जो भी हमारी टीम होगी वो आपको जल्दी कांटेक्ट करके आपको डिटेल प्रोवाइड करेगी। जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।